सबका बाप है वो, उसमें एक बात और कभी बेस्ट है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियां बनती हैं और रिलीज होती हैं, तो अगर हम बॉलीवुड में कोई एक्शन या साइंस फिक्शन मूवी सीरीज की बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बंदा जहन में आता है, जो कि ऋतिक रोशन है। तो ऋतिक रोशन वहाद एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी बनाने में अवार्ड हासिल किया था। तो यह सीरीज शुरू होती है कृष्णा मूवी से, जिसके बाद आई क्रिश 2, फिर आई क्रिश 3। तो 2013 में जब क्रिश 3 आई थी, इसने 93 करोड़ के बजट में 393 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल किया था, जो के उस वक्त वर्ल्ड वाइड और एक्शन मूवी का रिकॉर्ड हासिल किया था ऋतिक रोशन ने। तो अब आपको सुन के हैरानी होगी कि अब इसी वेब सीरीज का सीक्वल पार्ट 4 क्रिश 4 आने वाली है। तो ऋतिक रोशन के लिए सिर्फ एक ही लाइन है कि यह बंदा विल बी द लास्ट सुपरस्टार एक्टर इन बॉलीवुड। तो इस मूवी में एक्टर के रोल में हमें देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन। तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा। तो ये वही करण मल्होत्रा है जिन्होंने इससे पहले अग्निपथ और शमशेरा जैसी टॉप क्लास मूवी हमें दी है। तो अब के दौर में अगर हमें किसी मूवी में CGI अच्छा देखने को मिले या उसका एक्शन देखने को मिले और उस मूवी के VFX भी बहुत अच्छे हों और वो आसानी से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, और यही सारी चीजें एक मूवी में और साथ में अगर ऋतिक रोशन हो तो वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाड़ के रख देगी। क्योंकि ये बॉलीवुड का वाहद एक ऐसा एक्टर है जिसने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी बनाना स्टार्ट की थी। तो यहाँ अगर हम एक्ट्रेस के रोल की बात करें तो यहाँ अभी एक बात कन्फर्म नहीं हुई कि एक्ट्रेस के रोल में हमें प्रियंका चोपड़ा ही देखने को मिलेगी या उसकी जगह देखने को मिलेगी नोरा फतेही। तो अगर इस मूवी में हमें प्रियंका चोपड़ा ही देखने को मिलती है तो अच्छी बात है, अगर उसकी जगह हमें नोरा फतेही देखने को मिलते हैं तो इस मूवी में एक दो चांद और लग सकते हैं। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बात आपने कमेंट में जरूर बतानी है कि आपका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर कौन है। अगर मैं अपना रीजन बताऊं तो मेरा फेवरेट तो ऋतिक रोशन ही है। तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सुपरस्टार एक्टर हैं, जैसा कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे। तो अगर उनका कंपेयर ऋतिक रोशन से किया जाए तो ऋतिक रोशन जैसा ना वो एक्शन कभी कर सकते हैं और ना ही कर पाएंगे। तो क्रिश 4 से पहले हमें फाइटर मूवी और वार 2 मूवी देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਚਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਆਇਆ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ।